आज जो ये जमात किसी भी एक लीडर, किसी भी एक बैनर के नेतृत्व में नहीं है। ये जो आवाज बुलंद हुआ, ये जो सड़क पे संघर्ष का उलगुलान हुआ, ये आदिवासी मूलवासी यहाँ का 3 करोड़ 3 करोड़ जनता की आवाज विधानसभा के समक्ष हम लोग पहुंचाया। इन जनता ने जिन जनप्रतिनिधि को चुन के भेजा 2019 में, उनको अक्ल होना चाहिए कि हिंदी राष्ट्रभाषा है और विधानसभा में पूरे राज्य में काम काज का भाषा हिंदी में होता है, ये हम लोग मानेंगे नहीं। झारखंड में झारखंडी भाषा 9 भाषा है, 5 जनजाति, 4 क्षेत्रीय भाषा, और जहाँ तक विधानसभा में 81 विधायक कौन भाषा में बोलेंगे। माननीय स्पीकर संवैधानिक पद पर आसीन है, संविधान के 210 में प्रावधान है कि कोई भी उस विधानसभा के माननीय विधायक स्पीकर को अर्जी करेगा कि मैं हिंदी इंग्लिश के अलावे अपनी मातृभाषा में वक्तव्य दूंगा, उनको मना नहीं कर सकता है। ये भारत का संविधान 210 में प्रावधान है, लेकिन ये 22 वर्षों में 11 बार सरकार बनी, 5 बार चुनाव हुआ, 3 बार राष्ट्रपति शासन हुआ, लेकिन 9 भाषा में कोई भी विधायक बोलने का नसीब नहीं यहाँ पर दिया गया। ये बहुत बड़ा घोर उल्लंघन है। दूसरी बात, स्थानीय नीति कहाँ से बनेगा? अविभाजित बिहार में 1982 में, अविभाजित बिहार में 1982 में स्थानीयता लागू हुआ, उसमें प्रावधान था कि जिला के अंतिम सर्वे सेटलमेंट में जिन पुरुषों को, पूर्वजों का नाम अंकित है, उसी व्यक्ति को उसी जिला में मूल निवासी माना जाएगा, और उसके बाद 1982 से लागू है। तो बिहार से अलग हुआ। दूसरा संवैधानिक नियम है बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000, उसमें धारा 85 में लिखा हुआ है कि जो बिहार में अधिसूचना हुई है, नियम अधिनियम बनी है, धारा 85 के आधार पर बिहार में लागू होगा। यानी बिहार से झारखंड अलग होने के बाद 15 नवंबर 2000 तक 1982 में जो कानून बनी थी स्थानीय नीति, यहाँ लागू होना चाहिए था। दूसरी बात, अविभाजित बिहार में ये नियम बना गया था कि जो भी आदिवासी मूलवासी इलाके में अधिकारी पोस्टिंग किया जाएगा, उनको क्षेत्रीय भाषा और जनजाति भाषा पास करना अनिवार्य था। ये संविधान का विधि विधान, किसी को नॉलेज नहीं विधानसभा के अंदर, और कोई वक्तव्य नहीं दे रहा है। इसलिए हम लोग कहना चाहते हैं कि ये डेड लाइन है, विधानसभा 25 तक चलेगा। आज हाउस में बात आई है, हाउस ने, संसदीय कार्य मंत्री ने स्वीकार किया है कि जिला के अंतिम सर्वे को मानेंगे। हम लोगों का कहना है कौन जिला में कौन अंतिम सर्वे हुआ है, वो अलग अलग जिला हो सकता है, लेकिन सर्वमान्य हम लोगों का मांग है 1932 का कथियान आधार बने और यही मान्य होगा। दूसरा, नियोजन नीति आंध्र प्रदेश के आधार पर बनना चाहिए। आंध्र प्रदेश में संविधान के अनुच्छेद 371 में प्रोविजन है कि नीचे से लेके ISIPS छोड़कर आंध्र प्रदेश में सभी लोगों को नियोजन दिया जाएगा। ये लड़ाई 3rd ग्रेड 4th ग्रेड की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आंध्र प्रदेश के तर्ज पर नीचे से लेके ऊपर तक नियोजन देने की 100% की बात है। इसलिए आज हम लोग चेतावनी देने जा रहे हैं कि हम लोग ये जो चेतावनी ये है कि 25 तक स्थानीय नीति तैयार करे, 9 भाषाओं को शिक्षा का नीति। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।